ओके, तो अगर आप अपनी एंड्रॉइड टीवी में कीबोर्ड की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी और बिल्कुल ध्यान से ज़रूर देखते रहिए। सबसे पहले आप बैक आ जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है अपनी टीवी की, देन डिवाइस एंड प्रेफरेंसेस आप देख पाएंगे, ये रही, ठीक है। कीबोर्ड आपको मिल जाता है यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करते हैं तो करंटली कीबोर्ड यहाँ पर जीबोर्ड सेट है जो गूगल का होता है, मैंने वही यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, सॉरी पहले से ही आया है। और ग्लोबल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की आपको यहाँ पर जो लैंग्वेज चाहिए यहाँ पर आपको सब लैंग्वेज मिल जाती है। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हिंदी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज सिस्टम लैंग्वेज ऑन करना है तो आप वहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशन मिल जाते हैं, लाइसेंस मिलते हैं और शेयर यूजर स्टैटिस्टिक गूगल, तो आपने क्या टाइप किया है ये पूरा डेटा गूगल के पास जाता है, तो इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रखिए। अगर आपकी मर्जी है ऑन रखना है तो ऑन रखिए, लेकिन मैं उसे ऑफ रख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड्स मिल जाते हैं, तो जो काम की है वही ऑन रखिए और ज़्यादा कुछ काम की ज़रूरत नहीं है तो उसे ऑन मत रखिए, ठीक है। तो बहुत से यहाँ पे कीबोर्ड ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको उसका सलूशन बता दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।